अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज हम बनाएंगे सार्डिन्स फिश फ्राई। सार्डिन फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने सार्डिन्स लिए हैं, तकरीबन ये 20 से 25 सार्डिन्स हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। सार्डिन, जिसको इंडिया में काटेरी कहते हैं, ये फिश खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर मुझे कुछ मसाले चाहिए। मसालों के अंदर मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है ट्यूमरिक, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, उसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन डालना है, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें 1 लेमन चाहिए। उसके अंदर मुझे फाइनली उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है 1 टीस्पून। एक बड़े बोल में जिसमें मुझे फिश को मैरिनेट करना है, उसके अंदर मुझे ये सारे मसाले जो है वो डाल देना है। उसके बाद मुझे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी उसमें डाल देना है। फाइनली उसके अंदर मुझे लेमन स्क्वीज करना है। अब ये सारा मसाला मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ड्राई हो रहा है मसाला, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबलस्पून पानी जो है वो डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ये अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट जो है मसाले का बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे फाइनली ये जो फिश मैंने रखी है साफ करके, ये पूरी मुझे इसमें डाल देना है। और उसको मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से टॉस करना है, ताकि मसाला पूरा चारों तरफ लग जाए। ये देखिए, फिश में मसाला अच्छे से लग गया है। अब मुझे इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेटेड रखना है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फिश फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा तेल डाल दिया है, शैलो फ्राई करने के हिसाब से, और उसमें जब तेल गर्म हो जाए तब मुझे ये फिश फ्राई कर लेना है। दो से तीन मिनट के बाद ये एक तरफ से फ्राई हो गई है, मुझे उसको पलट देना है। अब इसको मुझे दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। अब ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई है, मैंने इसको निकाल देना है और एक पेपर टॉवल में डाल देना है। इस सार्डिन फिश फ्राई को आप दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, या फिश के सालन और चावल के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ये क्रिस्पी मज़ेदार फ्राइड फिश आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।